घोसी उपचुनाव परिणाम आने के बाद यहां पर जमकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा, ये बता दिया कि इंडिया गठबंधन की मजबूती क्या है और कैसे जो है जनता ने समाजवादी पार्टी के नेता का समर्थन किया। और इसके साथ साथ सुधाकर सिंह ने भी जनता का धन्यवाद किया और ये भी बताया कि आखिर कैसे वोटों की गिनती के समय उनके लिए जनता ने भरपूर वोट किए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर सामने उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। जानकारी के अनुसार सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 40,000 से भी ज्यादा मतों से पराजित कर दिया है। इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा सरकार में लगातार बढ़ती महंगाई और लगातार घटती कमाई की दोहरी मार झेल रहे परिवारों का आक्रोश है, जिसने वोट बनकर भाजपा को हराया है। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को जिताने के लिए संपूर्ण देशवासियों को भी धन्यवाद और साथ में घोसी विधानसभा सीट के समर्थकों को भी धन्यवाद। यह सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले कल का भी परिणाम है, यानी कि 2024 में भी जनता ऐसे ही इंडिया गठबंधन को जो है पसंद करेगी और जिताएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि यह दर बदल और घर बदल या गिरगिट प्रत्याशियों के लिए भी एक संदेश है कि आपने क्या काम किया था। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन का अगुला बनेगा और आज के परिणाम ने इंडिया को जिताने की शुरुआत कर दी है। इसी विधानसभा सीट पर सुधाकर सिंह की जीत के बाद यहां पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बताया कि आखिर कैसे बढ़त जो है लगातार बढ़ती चली गई और जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए होता रहा। सुनिए इस वीडियो को। घोसी के उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। ये जवाब उन दल बदलुओं को है जो सत्ता के साथ जाने की और सत्ता के मलाई चाटने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया होगा ओपी राजभर के और दारा सिंह चौहान के कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, जनता के साथ होती है, इसलिए जनता उसको जिताती है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अनुराग भदौरिया ने अपनी बात को रखा और यही बात जो है अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आए कि ये जो प्रेम है ये जनता का प्रेम है, ये जीत भी जनता की जीत है और आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर एनडीए को हरा कर रहेगा, क्योंकि तमाम विपक्ष के दल के नेता ने यही कहा कि ये इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यहाँ पर 40,000 वोट से जीतना कोई छोटी बात नहीं है। सुधाकर सिंह ने जमीनी स्तर पर काम तो किए हैं, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो दारा सिंह जैसे बड़े नेता को हराना सुधाकर सिंह जी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दर्शकों यहाँ पर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेताओं ने रैलियां की थी, इसके बावजूद भी घोसी विधानसभा सीट की जनता ने यहाँ पर कहीं ना कहीं दारा सिंह को नकार दिया और सुधाकर सिंह को जो है जिता दिया। देखना ये पड़ेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या जनता इंडिया गठबंधन को जिताएगी, क्या सुधाकर सिंह जैसे नेता के साथ साथ अन्य तमाम नेताओं को जिताएगी। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।